गाइस, आज है थर्सडे। गुड मॉर्निंग। और लड्डू जा चुका है स्कूल। पता है सुबह सुबह ही आलस लगता है लड्डू के स्कूल टाइम तक, कि मतलब उठना है, भेजना है। लेकिन एक बार जैसे ही वो चला जाता है ना, मेरा बाल को इग्नोर कीजिएगा, कल मैंने आपको लुक तो पता ही चल गया होगा, कर्ल किया हुआ था, तो वो ही ऐसे हुआ है। वरना मेरा बाल और कर्ल भी तुरंत तुरंत खुलते जा रहा था। मेरा मशीन भी इधर रखा हुआ है, मैंने इतना प्यारा सा मशीन है ना, मतलब कि वो मैंने कौन से ब्रांड का लिया वो मैं किसी और ब्लॉग में बताऊंगी, और कैसा है वो भी दिखा दूंगी। और हाँ, मैं बोल रही थी कि लड्डू जब स्कूल जाता है ना, तब लगता है कि यार नहीं जाओ नहीं जाओ करके सुबह सुबह। लेकिन एक बार जब लड्डू चला जाता है ना, तो पूरे दिन भर मतलब गिल्ट फील नहीं होता, लगता है कि नहीं चलो अच्छा हुआ कि चला गया वो। और चला जाता है ना, तो मतलब लगता है कि आज का दिन वेस्ट नहीं किया। मतलब ऐसे हम लोग जानबूझ के तो कभी वो नहीं किए कि नहीं आज नहीं जाएगा, अनटिल अनलेस वो बीमार ना हो। लेकिन 4 बजे तक एकदम सन्नाटा, उस दिन पूरा खाली खाली लगता है। यहाँ मेरे को पिंपल हो रहे हैं, खैर वो मेरे इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हो रहे हैं। बाकी आज है थर्सडे, तो हम लोग कुछ पीला पीला नहीं खाएंगे, और आज जल्दी से जाके नहा के भी आऊँगी मैं जल्दी जल्दी। और सैटरडे संडे को बहुत सारा काम भी है। मेरा मंगलसूत्र का ना ये रोटेशन ओपन टाइप का हो रहा है, एक बार मैंने इसको ठीक कराया है यहाँ पे, ये फिर मुझे जाना पड़ेगा जॉय लुकास में, ये देख रहे हैं आप लोग, तो वो लोग प्रॉपर इसको ठीक कर देंगे तभी फिलहाल। बाकी आप लोगों ने कल जो मैंने मतलब इस व्लॉग में ही जो साड़ी आप लोगों को दिखेगी, मैंने शॉर्ट्स में डाला था, सब लोग बोल रहे थे बहुत प्यारी है, और आप इसकी लिंक दे दीजिए। तो वो मेरी इंस्टाग्राम के एक पेज से आया हुआ था मुझे, और उस पेज का ही नंबर मैं मेंशन कर दूंगी नीचे, या फिर स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। और प्लीज़ वो मेरा नंबर नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने मेंशन किया था ना, तो आप लोग उस पर कॉल करके बात कर रहे थे कि सुचिता से बात करना है, पूजा से बात करना है। तो वो मेरा नंबर नहीं है, वो वेंडर का नंबर है जिन्होंने मेरे को साड़ी भेजी है। तो इन केस अगर आपको चाहिए वो साड़ी, तो मैं यहाँ नंबर डिस्प्ले कर रही हूँ, आप प्लीज़ साड़ी के लिए बस मैसेज कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, और आप ऑर्डर कर सकते हैं उनसे। अदरवाइज़ कॉल कीजिएगा, तो मैं तो हूँ नहीं वहाँ पर, तो वरना देखो ना इतना बार बार नंबर कैसे चेंज होता है। और हम लोग, मेरे पास इस फ़ोन में बस एक सिम है, उस फ़ोन में एक सिम है, लेकिन वो फ़ोन हमेशा बंद ही रहता है जो आईफोन 11 है। तो इसीलिए प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, और मैसेज कर सकते हैं बाकायदा। और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिज़ाइंस आप देख सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको मिल जाएगा, पेज में मेंशन कर रही हूँ। ऑल्सो चूड़ा जो है वो भी मुझे एक इंस्टाग्राम के पेज से मिला था, तो वो भी मैं मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सुची प्रदीप अंडरस्कोर जायसवाल पे आप फॉलो कर सकते हैं, और सारे अपडेट्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ मैं, क्योंकि वो छोटू सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, हाँ मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन थोड़े टाइम में आप बहुत कुछ उस पर कर लेते हैं, और सारी चीज़ें पॉजिटिविटी ही लगती है वहाँ पर, तो वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो बस अभी फ़िलहाल मेरा राजमा सीटी मारने के पोजीशन में है, मारना चाह रहा है, मार दिया। तो यहाँ मैंने राजमा को बैठाया, आज बनाऊंगी राजमा चावल, क्योंकि मेरे दोनों भाइयों को भी आज जाना है मीटिंग के लिए, और लड्डू के पापा को भी निकलना है। और तिरुपति जी का जो प्रसाद लाया था ना, वो मैं तो नहीं टच कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे पूरी चीटी चीटी हो गई थी उसी दिन, तो मैं वो सेपरेट भी नहीं की हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि हम लोगों ने मतलब खा लिया था। बाकी जो मेरी भाभी है उनको भी देना है मुझे, तो वो सिंदूर और चूड़ी वगैरह दे दूँगी जो मैं वहाँ से लेके आई थी। और बाकी अभी आद्या सो रही है, थोड़ा सोफ़ा वगैरह ठीक कर लेते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी लड्डू के पापा के लिए, क्योंकि रोटी और राजमा खा लेंगे, राजमा मेरा यहाँ पे तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। और रोटी बना दे रही हूँ, तो रोटी और राजमा खा लेंगे, चावल राजमा और दही लेकर के ऑफिस जाएंगे। तो चावल मामा जी तो पूछ गए हैं, आजा को खिला रहे हैं ऐसे मामा लोग, हम लोग लग रहा है कि हम लोग बैचलर हो गए हैं, मामा ही सका रहे हैं। हम लोग ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे बच्चे हैं, लग रहा है हम लोग भी फ्री होते हैं जो बच्चों को नहीं खेला पाते हैं। और मैं इन लोगों को बोली भी कि तुम लोग के पास भाई कहाँ से इतना टैलेंट आया है, ऐसे एकदम मतलब चुप भी करा दे रहे हैं, घुमा फिरा भी दे रहे हैं। नमक ठीक है लड्डू, थोड़ा सा कम है,
मैं बताऊंगा खा के। मेरे को ऐसा लग रहा है नमक का, और क्योंकि ये बनने के टाइम हम नहीं डाले हैं, प्याज और राजमा में ही डाले हैं, तो डाले तो मेरा रोटी, मैं जितना आटा सानी हूँ सारा ही बना लेती हूँ टाइम है। आज मेरे को बहुत सारा काम, क्योंकि आप लोग को बता दूँ गाइस, अभी क्या है ना कि हमको अपना अलमीरा भी थोड़ा सेट करना है और कपड़े वगैरह सेट करके रखने, रूम बहुत ज़्यादा इधर उधर कबाड़ा बड़ा हुआ है, मतलब उतना भी नहीं हुआ है लेकिन हुआ है, मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो अभी मैं फटाफट से उसको साफ़ करूँगी। और मेरे घर पे हम लोग पूजा रखे हुए हैं 14 अगस्त को, क्योंकि गृह प्रवेश हुआ था, 1 साल हो जाएगा, तो घर का पूजा करेंगे हम लोग। अब देखते हैं, उसी टाइम राखी भी पड़ रहा है जस्ट 4-5 दिन बाद, तो पता नहीं घर से भाई लोग आएंगे या नहीं आएंगे, अभी कोई आइडिया नहीं है, देखते हैं कौन आता है। और हम लोग बहुत मतलब सोचे उसी दिन आद्या का भी कान छेदन कर देंगे, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है इसीलिए, और बोलते हैं ऐसे ना कि कान जब छेदा जाता है तो इंसान का लॉन्ग लाइफ होता है, आयु बढ़ती है, तो इसीलिए हम लोग का भी छोटे में छिदा है, बट मेरा 2 साल ऐसे में छिदा है, उसका मैं 1.5 साल पर छिदवा दे रही हूँ, तो 1.5 साल भी नहीं, मतलब एक पता है ना 14 महीना की हो जाएगी वो, क्योंकि 17 अगस्त को वो 14 महीना की होगी और मैं 14 अगस्त को पूजा कराऊँगी, तो इसलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और घर पे भी 15 अगस्त है, तो स्कूल पे तो झंडा फहराया जाएगा, तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन वर्स लग जा रहा है। बाकी मेरे को पेंट भी कराना है रूम को, तो अब पता नहीं मेरे पेंटर जो है वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, तो इसीलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग अगर कोई इंस्टाग्राम पे जुड़ा है तो आप बता सकते हैं कैसे टाइप का पेंट कराना ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज मेरे को थोड़ा चेंज ही कराना है, तो इसलिए देखते हैं अभी क्या होगा। पेंट भी पूरा नहीं होगा क्योंकि हमारा सारा फर्नीचर वो है ना इंटीरियर किया हुआ है, तो एक एक वॉल तो ऐसे इंटीरियर ही है, बाकी हमने बेस कलर क्रीम टाइप का ही रखा है, वाइट क्रीम ऐसे टाइप का है, तो वो वही रहेगा। और जो हाईलाइटेड वॉल्स थे उसको मैं चेंज कराने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि एक वॉल अच्छे से उतर के नहीं आया था, बट हम लोगों को तब जल्दी थी तो हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया था, बट अभी देखते हैं क्या होता है। और मेरे यहाँ पे चिमनी का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, तो आप लोगों को सुना ही नहीं दे रहा होगा मुझे ऐसा लग रहा है। नमक ले लिए है क्या? तो चलिए हम भी राजमा में थोड़ा सा नमक डाल दें टिफ़िन पैक करने के पहले, और फिर अपने भाई लोग के पास जाते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा डांट के आते हैं कि भाई तुम लोग को जाना था। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि विकास क्या करते हैं, तो उन लोगों का बिजनेस है ई स्क्रैप वाला, तो वो लोग ई स्क्रैप वाला कुछ बिजनेस करते हैं, जो कि जिसकी डिटेलिंग हो सके तो मैं उन लोगों से पूछ के आप लोगों को शेयर कर दूँगी। अभी वो लोग खिला रहे हैं कुछ गागा के और यहाँ पे मेरे को एक टॉवल लगाना है, हैंड टॉवल, जो हाथ गीला हो जाता है तो कपड़े में नहीं पोछ के टॉवल में ही पोछेंगे लोग, तो वो हुक लाए हैं हम, 2 लगाएंगे, एक प्लेट पोछने वाला टॉवल और एक ये, ताकि इसको कोई टच नहीं करे, क्योंकि जो मैं प्लेट पोछती हूँ ना उसी से जो आंटी आती हैं वो स्लैब क्लीन कर देती है, जबकि स्लैब के लिए मैंने ऑलरेडी दूसरा रखा है। पानी वाले हैं क्या? तो बस चलते हैं ब्लॉग को आगे लेके।